हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यस वीकेंड में। आज हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी बेस्ड ऑन एम लक्ष्मीकांत, और यह वीडियो सिविल सर्विसेज और पीएससी के विभिन्न एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हैं। आज हम देख रहे हैं इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो या तीसरा चैप्टर, जिसमें हम संविधान की विशेषताएँ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। यह वीडियो मेरे द्वारा चंद्र प्रकाश पात्र के द्वारा बनाया गया है। आइए हम इस वीडियो का इंडेक्स देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि जो प्रमुख विशेषताएं थी उसमें क्या क्या थी। सबसे पहले ये एक लंबा लिखित संविधान है, फिर सर्वश्रेष्ठ संविधानों का एक संतुलित और प्रासंगिक समावेश है, कठोर और लचीला संविधान है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ एक संघीय व्यवस्था है, सरकार का संसदीय स्वरूप हम देखेंगे, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय देखेंगे, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, अन्य विशेषताएं और अल्टीमेटली भारतीय संविधान की आलोचना की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है या ऐसा क्यों माना जाता है। तो मूल संविधान की हम बात करें तो इसमें लगभग 395 अनुच्छेदों की व्यवस्था थी। वर्तमान स्थिति जो कि 2016 तक है, इसमें जो अनुच्छेद हैं और उसके जो सब क्लॉज हैं वो सबको जोड़ के लगभग 465 जो है अनुच्छेद माने जा सकते हैं। हालांकि आप इस डेटा को कभी भी यूज़ ना कीजिएगा, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो डेटा है जो 465 अनुच्छेद बता रहा है एक्चुअल में सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मूल संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं वही स्थिति है, उसमें से कुछ हटाए भी गए और कुछ जो हैं वो उसमें जोड़े भी गए, जिसमें क ख ग घ ऐसे करके जोड़ा गया है। तो ऐसा आप नया डेटा मत दीजिएगा, आप ये डेटा दीजिएगा कि हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे। भाग की हम बात करें तो भाग जो मूल संविधान में था 22 भाग थे, अभी की स्थिति क्या हो गई है, हमारे पास 25 भाग हैं, ये आप मेंशन कर सकते हैं। अनुसूची मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कारण जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों इतना लंबा बना। भौगोलिक विस्तार और विविधता जो थी वो एक बड़ा कारण थी, क्योंकि हमको क्या करना था, हमको इतना बड़ा जो देश था उस बड़े देश में क्या करना था, इस पूरे देश को संतुष्ट करने के लिए एक कानून बनाना था या एक संविधान बनाना था जो कि लगभग 3000 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ और जो ईस्ट से वेस्ट है वो फैला हुआ है। तो इतने बड़े देश के लिए जहाँ अलग अलग धर्म संप्रदाय और टेरेन के लोग रहते हैं, अलग अलग स्पीसीज के लोग रहते हैं, उनके मध्य एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक ऐसा संविधान बनाना जो कि सबके लिए स्वीकार्य हो, एक मुश्किल काम था। और क्योंकि सबकी कुछ आपत्तियाँ थी, कुछ आशंकाएँ थी, सबके कुछ एक डर का माहौल था या एक उनको था कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा नहीं, तो उन सब चीज़ों को मेंशन करने के लिए या उनको सुनिश्चित करने के लिए संविधान को बड़ा और डिटेल में लिखना बहुत ज़्यादा क्या था, आवश्यक था। ऐतिहासिक कारण की हम बात करें तो 1935 का जो अधिनियम था वो, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसका बेस मटेरियल है 1935 का जो एक्ट है, तो 1935 का एक्ट जो था वो ऑलरेडी बहुत बड़ा था, तो उस बेस को जब हम अडॉप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बेस जब बड़ा है तो संविधान भी बड़ा होगा। इसके अलावा पूरे देश के लिए एक ही संविधान हमने बनाया है, प्रांतों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था नहीं है जैसा कि बाकी देशों में होता है, संघीय देशों में। हमारे देश में ऐसा नहीं है, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। किसको छोड़ के? जम्मू कश्मीर को छोड़ के। जम्मू कश्मीर के लिए भी अब जो है भारत का संविधान लागू होगा। आज से पहले तक, कुछ समय पहले, एक साल पहले तक की स्थिति ये थी कि जम्मू कश्मीर के लिए पृथक संविधान था, हालांकि धारा 370 के अबोल्यूशन के कारण और उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के कारण वो अब व्यवस्था खत्म हो गई है, अब वहाँ भी भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होगा। इसके अलावा संविधान सभा में कानूनविदों का प्रभुत्व था, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब जो थे, महात्मा गांधी और अन्य जो अन्य थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जो थे ये क्या थे, कानूनविद थे, बहुत इनको कानून का नॉलेज था। ऑब्वियसली जो कानूनविद है वो अगर किसी संविधान को लिखेगा या उसको जिम्मेदारी दी जाएगी तो उनको कानून के पेज पता है, कानून के जो डिटेल्स हैं वो पता है, और उनको पता है कि इस लैंग्वेज का या हम कोई पोल छोड़ दें तो उसका किस तरीके से मिसयूज़ किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि कहीं पर कमी रह जाए। हालांकि उन्होंने, उनको ये पता था कि हो सकता है भविष्य में चीज़ें बदल जाएं या भविष्य में हमसे कोई गलती हो गई उसको सुधारने की आवश्यकता पड़े, तो उन्होंने संविधान संशोधन का प्रोविज़न भी रखा। तो ये चीज़ें थी जिसके कारण ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था बहुत लंबा हो गया। महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन हालांकि उनका इन्फ्लुएंस जो था वो था। अब
सर्वश्रेष्ठ संविधान जो है उनके संतुलित और प्रासंगिक समावेश की हम बात करते हैं। आपको पता होगा जो भारत का संविधान है वो बहुत सारे अलग अलग देशों के संविधान और 1935 का जो एक्ट है उससे मिलजुल कर बना हुआ है। कुछ लोग इसको उधार का संविधान या किराए का संविधान भी मानते हैं। आलोचना हुई थी संविधान सभा में, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा था कि ये किसी भी तरीके से किराए का या उधार का संविधान नहीं है, ये भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से जो विश्व के अलग अलग संविधान की जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी उन व्यवस्थाओं का क्या था, एक संतुलित मिश्रण है या संतुलित क्या है, समावेश है। तो बेसिकली आपको कई बार पूछा जाता है मेंस में स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो अलग अलग देशों के संविधान से बोरो किया गया है, उधार लिया गया है। तो ये बेसिकली एक संविधान ना होके क्या है, एक उधार का एक डॉक्यूमेंट है। तो ऐसा नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अगर सपोज आइंस्टाइन की थ्योरी हम देखें, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन की थ्योरी है। अब अगर सपोज आपको इस थ्योरी को लेके क्या करना है, आगे काम करना है, तो आगे काम करने वाला व्यक्ति वो क्या करेगा, सीधी ई इज इक्वल टू एम एस सी स्क्वायर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अप्लाई करेगा, ना कि उस फॉर्मूले को फिर से आइंस्टाइन की स्थिति में जाके शुरू से वो खोज करेगा। तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एक बेहतर फार्मूला है तो उस फार्मूले का यूज़ करते हैं। वैसा ही अगर किसी देश के संविधान में कोई बेहतर व्यवस्था है तो उस व्यवस्था को हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जैसा है वैसा ही या फिर अपने देश के परिस्थितियों के हिसाब से। तो हमने क्या किया, जो अच्छी व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को भारत की परिस्थितियों के हिसाब से अडॉप्ट किया। तो 1935 का जो एक्ट था लगभग 250 अनुच्छेद शब्दशः या फिर थोड़े बहुत चेंज के साथ इसमें शामिल किए गए। अमेरिका का जो ये याद करना पड़ेगा आपको, मैं इसके लिए कोई फैक्ट या कोई ट्रिक नहीं बता पाऊंगा, आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू जो है, संविधान की जो सर्वोच्चता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उसका महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की हटाने की विधि है, वित्तीय आपात, ये सब अमेरिका का था। ब्रिटेन से हमने क्या लिया, संसदात्मक शासन प्रणाली जो हम आज संसदीय प्रणाली देखते हैं वो वहाँ से लिया गया है। एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया वहाँ से ली गई है। आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि और ऐसे ही विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र से ख्याति लब्ध व्यक्तियों का जो मनोनयन की व्यवस्था है वो भी आयरलैंड से ली गई है। इसके अलावा आपात उपबन जो है वो यहीं से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध वो लिया गया है और शक्तियों का विभाजन लिया गया है। जर्मनी से आपात जो है उसके प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित जो शक्तियां हैं वो दी गई हैं। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं हमने लिया है जिसमें अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास होती हैं, और ये कहा जाए कि कनाडा से हमने एक सेंट्रलाइज सिस्टम वाला संघीय व्यवस्था ली है, मतलब सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, आर्टिकल 368 वाली। पूर्व सोवियत जो रूस था वहाँ से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया, ये एक इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में या कहीं भी आप जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पढ़ेंगे तो आपको ये विधि या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सुनने को मिलेगी। ये जो है प्रोविज़न कहाँ से लिया गया, जापान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कोई भी कार्य आप अगर करेंगे तो वो विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, जो प्रोसेस विधि में बताया गया है, कानून में बताया गया है, उसी प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, उससे आगे पीछे नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं, कठोर और लचीला संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा कठोर है और कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा लचीला है। तो ये क्या है, एक सम्मिश्रण है, मतलब जो सामान्य मामले हैं, जो बहुत ज़्यादा जरूरी मामले नहीं हैं उसमें भारत का संविधान बहुत लचीला है, और ऐसे मामले जो कि संघीय ढांचे संबंधित हैं या भारतीय जो संविधान है उसकी मूल विशेषता या मूल ढांचा को प्रभावित करते हैं, ऐसे मामलों में संविधान बहुत कठोर है। कैसे देखते हैं, तो कुछ मामले ऐसे हैं जो सामान्य बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं, जिसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ये कौन कौन से हैं, जैसे कि नए राज्यों का गठन, वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र, इन सब चीज़ों में परिवर्तन, विदेश नीति से संबंधित जो नीतियाँ, ये सब क्या है, सामान्य बहुमत से इसको अप्लाई किया जा सकता है, इसको संविधान संशोधन भी नहीं माना जाता।
संविधान संशोधन, संविधान का जो संशोधन है वो आर्टिकल बेसिकली 368 में इसका उल्लेख है, जिसमें दो प्रकार की व्यवस्था है। पहली व्यवस्था को हम बोलेंगे विशेष बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी की व्यवस्था, दूसरा है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, स्पेशल मेजोरिटी प्लस मोर देन 50% स्टेट का जो है इसको क्या मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए। दोनों सदनों में उपस्थित, जो विशेष बहुमत है इसके बारे में बात करें, इसमें क्या होता है, दोनों सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। तो सपोज मैं बात करता हूँ लोकसभा की, लोकसभा में आज के टाइम में 543 मेंबर्स हैं, तो 543 में पहला कंडीशन, इसमें एक कंडीशन क्या है, कुल सदस्यों का बहुमत। कुल सदस्यों का बहुमत मतलब कितना होना चाहिए, कम से कम 272 मेंबर्स तो होने चाहिए, ठीक है। तो 272 मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए। अब उसमें क्या बोल रहा है, जो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले हैं उसका 2/3। तो सपोज हम ये मान लेते हैं कि 543 में से जो 400 मेंबर हैं वो उपस्थित हुए थे उस दिन, 400 मेंबर का 2/3 कितना होता है वो हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो ×2/3 तो क्या हो जाएगा, ये 400 को हम मान लेते हैं 450, ये इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 × 2 मतलब लगभग 300। ये तो अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें बन रही है, एक नंबर आ रहा है 300 का और दूसरा नंबर आ रहा है 272 का। तो यहाँ पर बेसिकली जो मिनिमम नंबर है वो कितना चाहिए होगा, 300 नंबर चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा, क्योंकि पहला कंडीशन है आधे से अधिक या फिर जो कुल सदस्य है उसका बहुमत चाहिए, मतलब 272 का आंकड़ा तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा वो बोल रहा है जितने मेंबर उपस्थित हैं उस उपस्थित और जो मतदान में भाग लिए हैं उन मेंबर्स का क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। मतलब हम अगर 450 मेंबर मान लेते हैं कि उपस्थित थे और उन्होंने वोटिंग भी किया, तो उसका 2/3 का मतलब होता है 300। तो मतलब 300 मेंबर्स का क्या होना चाहिए, यहाँ पर समर्थन होना चाहिए। शायद ये एग्जांपल आप लोगों के लिए क्लियर होगा, आप समझ गए होंगे कि हमको अगर 450 मेंबर्स उपस्थित हैं तो कम से कम 300 वोट्स चाहिए, 300 मेंबर्स के वोट चाहिए, और ये 300 वोट्स जो हैं वो 272 से अधिक है, इसलिए क्या होगा, ये जो बिल है ये पास हो जाएगा विशेष बहुमत वाला। तो विशेष बहुमत ये है। अब दूसरा जो है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, मतलब विशेष बहुमत तो हम करेंगे ही, उसके अलावा आधे से अधिक राज्यों का हम क्या करेंगे, हम परमिशन लेंगे। तो आज की स्थिति में हमारे पास अब कितने हो गए, 28 स्टेट्स हो गए, तो 28 का आधा होता है 14+1 मतलब कितने हो जाएंगे, 15 राज्यों का क्या चाहिए, सहमति चाहिए। पहले 29 थे, 29 किसको जोड़ के, जो जम्मू कश्मीर थी उसको जोड़ के 29 थे, हालांकि अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो अब अगेन कितने हो गए, 28 हो गए। आगे देखते हैं, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। हमको पता है कि भारतीय जो संविधान है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, मतलब एकात्मकता मतलब जो सेंट्रलिस्टिक है, मतलब भारत का संविधान क्या है, ये केंद्र की ओर झुका हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, एक संघीय व्यवस्था है भारत में। संघीय व्यवस्था और एकात्मकता का क्या मतलब होता है, ये हम देखते हैं। ये एक शासन व्यवस्था है जिसमें यहाँ पर केंद्र है और यहाँ पर क्या है, अलग अलग स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर जो केंद्र है, पूरी शक्ति अगर केंद्र के पास सेंट्रलाइज होगी, ये होगा एकात्मक व्यवस्था। लेकिन अगर ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से दोनों राइट्स प्राप्त कर रहे हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों, और दोनों क्या है, पैरेलल लाइन की तरह चल रहे हैं, मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है, मतलब ना राज्यों से राज्य जो है वो केंद्र के अधीन है, ना ही केंद्र जो है वो राज्यों के अधीन है। तो जब ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दोनों क्या करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन से शक्ति प्राप्त करते हैं, उनकी जो शक्ति है वो अलग अलग बटी होती है, उनकी शक्तियों का विभाजन होता है, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल लिस्ट है, देन स्टेट लिस्ट है, देन फिर कंकरेंट लिस्ट है, और उसके बाद जो रेसिड्यूल जो पावर्स हैं वो सब हैं। तो वो जब अलग अलग पृथक पृथक बटा हुआ हो तो क्या होता है, इनमें टकराहट नहीं होती, ऐसी व्यवस्था संघीय व्यवस्था कहलाती है। तो हम देखते हैं संघीय व्यवस्था के गुण क्या हैं। इसमें दो सरकार होती है, क्या क्या, एक होता है राज्य में और दूसरा होता है केंद्र में। हमारे पास तीसरी सरकार भी है, वो है क्या, जो स्थानीय स्वशासन हम बोल सकते हैं, पंचायती राज। वो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है ऐसी स्थिति में, यहाँ लिखित संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन होगा और लिखित संविधान होगा। क्यों, क्योंकि विवाद की स्थिति में जो राज्य और केंद्र हैं उनके मध्य क्या हो, बहुत चीज़ें क्लियर हों। संविधान की सर्वोच्चता होती है, मतलब यहाँ न सेंट्रल न स्टेट, दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं होता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अगर राज्य और केंद्र गलत कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविज़न है वो फाइनली अप्लाई होंगे। संविधान की कठोरता, मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर संविधान का संशोधन बहुत आसान नहीं होता। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ कंपलसरी होती है। फिर द्विसदनीय व्यवस्था जो है,
वो होता है द्विसदनी व्यवस्था में। कौन कौन सी व्यवस्था? राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, डायरेक्ट रूप से, और ये क्या है, जो पब्लिक है उनका क्या करता है, सीधे सीधे प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जो राज्यसभा है वो इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाता है, ये जो स्टेट्स हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है। जो स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या विधानसभा है वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनते हैं। तो राज्यसभा मूल रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि विविध तरीके से हो सकता है, जबकि लोकसभा जो है वो केंद्र की जो राजनीति है या जो प्रत्यक्ष चुनाव है उसके माध्यम से जो जनता है उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करता है। एकात्मक व्यवस्था की हम बात करें या एकात्मक व्यवस्था के गुणों की बात करें तो इसमें एक सशक्त केंद्र होता है, जैसा कि इसमें होता है कि इसमें दो राज्य और केंद्र, अलग अलग सरकार होते हैं, दोनों एम्पावर्ड होते हैं। इसमें एकल संविधान होता है, एकल नागरिकता की व्यवस्था होती है, आपातकालीन प्रावधान होता है, संविधान का लचीलापन होता है, बहुत सारे मामलों को बहुत इजीली चेंज किया जा सकता है, एकीकृत न्यायपालिका होती है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल आपको पता होगा केंद्र का एजेंट होता है या केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, तो केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक स्वरूप है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं या ऑल इंडिया सर्विसेज, जो IAS के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो ऑल इंडिया सर्विसेज बेसिकली एकात्मक व्यवस्था का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये जो IAS होते हैं, ये IAS कहाँ काम करते हैं, ये काम करते हैं स्टेट में, इनको स्टेट में काम करने के बदले उनको सुविधाएं, सैलरी और बाकी चीज़ें मिलते हैं। लेकिन ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं? सेंट्रल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम उनको क्या कर सकती है, निलंबित कर सकती है, उससे ज़्यादा कोई एक्शन नहीं ले सकती। जो पूरे एक्शन है या पूरा जो कंट्रोल है वो सेंट्रल के पास होता है। तो IAS या जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, काम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट में, और जो उनको वेतन भत्ते या जो सुविधाएं मिलेंगी वो स्टेट गवर्नमेंट में मिलेंगी। तो ये इसमें चीजें हैं। अब भारत के संविधान की हम बात करें तो भारत के संविधान में ये सभी चीजें हैं, जो हमने संघीय व्यवस्था देखी और जो हमने एकात्मक व्यवस्था देखी, वो सभी चीज़ें क्या है, भारत के संविधान में उपलब्ध है। तो ये पूरी व्यवस्था मिल के भारत का जो संविधान है उसको, एक संघीय व्यवस्था तो है ही, लेकिन भारत का संविधान जो है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। कई मामले ऐसे होते हैं आपातकाल की स्थिति में क्या है, ये बहुत ज़्यादा केंद्र की ओर झुक जाता है, या फिर ऐसे मामले जैसे हम देखें कि जहाँ संविधान लचीला है, जिसमें संशोधन बहुत आसान है, और संविधान संशोधन आपको पता होगा, संविधान संशोधन कौन करता है, संसद करती है, संसद मतलब जो केंद्र है वो करती है, एकीकृत न्यायपालिका, ये सब क्या है, ऐसे एग्जाम्पल हैं। और IAS जैसी व्यवस्था है या ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं और राज्यपाल की जो नियुक्ति, ये सब ऐसे मामले हैं जो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको इस वीडियो के PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, आपको जो सूटेबल हो वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप कमेंट करके बताएं वीडियो में कि आपको कैसा लगा वीडियो और इसमें हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।